तुम्ही कसे आहात? मैंने गाना भी सिखाया है, मला जाऊ दाना घरी वाजले की बारा। मैंने सीखा था, पर मैं बोल दे रही हूँ, अगर मिस्टेक हुई हो तो आप लोग देख लेना। हैप्पी गणेश चतुर्थी, बिकॉज मैं पहले से वीडियो अपलोड कर चुकी होंगी ना, इसीलिए। ओके, मेरे लाइक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है, इस वजह से थोड़ा बोलने में परेशानी हो रही है। मैंने आज, आप लोगों ने देख लिया होगा, मैंने लुक क्रिएट किया है, मराठी लुक। ओके, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, लाइक फीलिंग इतनी अच्छी आ रही है ना ये लुक करने के बाद, मतलब बहुत डिसेंट लग रहा है। और ज़्यादा ज्वेलरी वगैरह मैंने डाली नहीं, जैसे ऐसे ही अच्छा लगता है, लाइक डिसेंट सा। और ये मैंने मम्मी का पहना है, ये भी मैंने मम्मी का पहना है, ये बस मैंने खुद का खरीदा है। सो लोग इतना हैवी हैवी ज्वेलरी मेरे हिसाब से नहीं डालते, तो मैंने उस हिसाब को सोच के थोड़ा गोल्ड टाइप का डालने की कोशिश की है, और अपने हिसाब से बहुत बेस्ट देने की कोशिश की है। आई होप आपको बहुत पसंद आएगा, और थोड़ा सा न्यूडिश टाइप का रखा है, आई होप आपको पसंद आएगा। सबसे पहले कमेंट करो लुक कैसा लग रहा है, मेरे ऊपर कैसा लग रहा है ये भी कमेंट करके जाना। वीडियो पसंद आती है ना तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना मत भूलना, मैं वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी रील्स ट्रांजेक्शन वाली डालती रहती हूँ, और आप लोग से बातें भी कर लेती हूँ या। ओके, सो इफ़ यू लाइक माई कंटेंट, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो में एंड तक बने रहना, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, और चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लो। इफ यू लाइक माई कंटेंट, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल गाइज, नाउ विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम, लेट्स गेट्स। सो गाइज, हम आ गए वॉइस ओवर में, और मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाई हूँ फेस में, मैंने वॉश किया, जस्ट मैं बैठ गई। यहाँ पे मैं ग्रीन टी वाला टोनर लगा रही हूँ, टोनर ज़रूर लगाया करो, आपके पोर्स होते हैं ना वो मिनिमाइज हो जाते हैं। आपको दिख रहा होगा अभी मेरा फेस थोड़ा बहुत क्लियर होने लगा है, लाइक मेरे पिंपल्स वगैरह अभी ठीक ठाक हो गए हैं। गुड वाइब्स की सैफ्रन वाली मैं मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा रही हूँ, काफ़ी अच्छी वाली क्रीम है यार, टीनेजर को भी सूट करेंगी, बिगिनर के लिए भी बेस्ट है, काफ़ी अच्छे से फेस के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, मॉइस्चराइज कर देती है। गुड वाइब्स का वाइटमिन B3 वाला सीरम है, सीरम ये ना ऑयल बेस्ड सीरम नहीं था, लाइक ये समर्स के लिए ठीक है, अभी समर वाला सीज़न नहीं, अभी रेनी सीज़न है, उसके लिए काफ़ी अच्छा था, मतलब सूट कर जाए आपकी स्किन को। TMW की आई थिंक ये लिप बाम थी, पुरानी थी, रखी थी तो मैंने लगा ली। ये प्राइमर था, पोर मिनिमाइजिंग वाला प्राइमर, इनसाइड कॉस्मेटिक का, पैकेजिंग काफ़ी छोटी है बट काफ़ी अच्छा है। वेट एंड वाइल्ड एंड पर्पल का कॉम्बिनेशन कर रही हूँ यहाँ पे, यू कैन सी बिल्कुल खाली हो चुका है मेरा पर्पल वाला फाउंडेशन, बट स्टिल थोड़ा सा बचा था तो मैंने सोचा ट्राई कर लेते हैं। थोड़ा सा मैंने वेट एंड वाइल्ड मिक्स किया, अपने फेस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा शेड बनाया, एंड डॉट डॉट करके अप्लाई कर रही हूँ ताकि बहुत ईजिली ये ब्लेंड हो जाए। बट गाइस सच में बताऊँ, ब्लेंड बहुत अच्छे से होता है, बट जो ब्यूटी ब्लेंडर से यूज़ करते हैं ना, आधा फाउंडेशन जब वो खा जाता है, जब मैं देखती हूँ मेरा मूड ख़राब हो जाता है। और जो अब मेरे हैंड में बचा ना, उसको मैं लेके हल्का सा अपने अंडर आइज़ में लगा रही हूँ ताकि मेरे जो डार्क सर्कल्स हैं उस हल्के से कवर अप हो जाए। मुझे मेरे ऐसा नहीं कि मेरे पास कंसीलर नहीं है, कंसीलर है, बट मुझे नीड नहीं लगती लगाने की फाउंडेशन के बाद। थोड़ा सा अपने नेक में, ईयर में भी लगाएंगे, वो भी पार्ट है यार। लैक्मे का कॉम्पैक्ट लगा रही हूँ 100 रुपीज़ में, काफ़ी अच्छा कॉम्पैक्ट आपको बहुत इजीली मिल जाता है। माई ग्लैम का 2-in-1 ये कॉम्बो है, इसमें आपको एक ब्राउ पाउडर मिल जाएगा, ब्राउन शेड का, इसमें आईलाइनर भी मिल जाएगा, तो मैं ये काफ़ी मुझे पसंद आता है प्रोडक्ट। सो अच्छे से मैं क्लीन कर रही हूँ अपनी आईब्रोज लाइक स्पूली की हेल्प से। मेकअप रेवोल्यूशन की आई शेडो पैलेट ले रही हूँ, येल्लो शेड लेके मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी, ब्लेंड 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 करती जाऊँगी।
रेने के ब्रशेस यूज़ कर रही हूँ। फिर स्विस ब्यूटी के पॉइंटेड ब्रश लेकर और मैं पिंक कलर में अपनी लिड में प्लेस कर रही हूँ अच्छे से। यू कैन सी ऐसे कॉर्नर कॉर्नर्स में, और बीच का गैप छोड़ देना है, ठीक है। ब्लेंड नहीं करना, सिर्फ प्लेस करना है। फिर मैं ऑरेंज पिंक ऑरेंज येलो और डार्क हल्दी टाइप का कलर था उसको ले करके, और अच्छे से मैं एक पॉइंटेड टाइप का, ये भी ब्रश था, ज़्यादा फ्लफी नहीं था, वो लेके उसको ब्लेंड कर रही हूँ। यू कैन सी काफ़ी सुंदर लग रहा था। रेने की आई शेडो पैलेट ली मैंने, उसमें से गोल्डन शेड लिया और अपने जहाँ पे गैप छोड़ा था हम लोगों ने वहाँ पे मैं इसको अप्लाई कर लूँगी, और पॉइंटेड ब्रश से मैं नीचे थोड़ा सा ब्लेंड करूँगी, स्मच करूँगी पिंक कलर को। एंड या ओके, वापस से ब्लेंड करेंगे ताकि कोई भी हार्श लाइन ना रह जाए। एंड वाई बी का ये आईलाइनर है, काफ़ी अच्छा वाला, मतलब आईलाइनर है ये, आपको 40 रुपीज़ में 50 रुपीज़ में मिल जाता है, बहुत अच्छा है। ऐसे आईलाइनर ही यूज़ किया करो, काफ़ी अफोर्डेबल है। आप लोग मुझे कमेंट करते हो कि दीदी अफोर्डेबल आईलाइनर बता दो प्लीज़, तो ये अफोर्डेबल, इससे अफोर्डेबल आपको शायद ही कहीं मिलेगा। एक ब्लू हेवन, लैक्मे, NYB, ये सब काफ़ी अफोर्डेबल है। पर्पल का ये पेंसिल वाला आईलाइनर था, इसको मैं एज ए काजल लगाती हूँ बिकॉज वन स्वाइप में ही बिल्कुल बटर के तरह चलता है, और हल्का सा मैं इसको स्मच कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा स्मजी स्मजी स्मोकी टाइप का लुक लगे अच्छे से। फिर मैं लगाऊंगी मस्कारा, ये है पर्पल का माय फेवरेट वाला मस्कारा। इसका एक्सेस प्रोजेक्ट निकाल लेना, क्योंकि मैं बताती हूँ क्यों। अब देखो, मैंने एक्सेस प्रोजेक्ट निकाला फिर भी थोड़ा बहुत रह गया है ना, रह गया ना, अभी आपको डिफरेंट दिखाती हूँ। वेट या देखो, ये वाली आइज़ में फैल गया और ये वाली आइज़ में नहीं फैला, बिकॉज़ ये वाली आइज़ में मैंने पहले ही लगा लिया, जो भी एक्सेस था वो सब उसी में रह गया है ना, तो हटा लिया करो। और सूख जाए ना अगर, तो थोड़ा सा लेंस वाटर डाल दो आप लोग, तो थोड़ा गीला गीला सा रहेगा है ना। NYB का कॉन्टोर पैलेट ली मैंने, और अच्छे से मैं कॉन्टोर कर रही हूँ अपनी नोज़ की, चीक की, डायमेंशन मिल जाती है फेस को, थोड़ा चबी चबी सा फेस नहीं लगता है, क्योंकि किसी का भी फेस एकदम परफेक्ट नहीं होता है ना। तो अच्छे से मैं फिर ये कॉन्टोर करने के बाद, मेरी नोज़ पतली दिखे इसलिए मैं कॉम्पैक्ट की हेल्प से ऐसे कर रही हूँ। आप ऐसे करोगे ना, ये मेरा फेवरेट स्टेप है, जब मैं क्लीन करती हूँ ना, ये मेरा फेवरेट स्टेप है सच में, इसके लिए मैं वेट करती हूँ कब करूँ, मतलब मज़ा आ जाती है मुझे ये करने में। पॉप एक्सो की ब्लश पैलेट लेके, ब्लश ये फेस पैलेट, उसको लेके मैं अच्छे से ब्लश लगाऊंगी। ऑरेंजिश टाइप का ब्रश था, इसी में से ही मैंने हाइलाइटर लिया गोल्डन कलर का फैन ब्रश में, और इससे लगाई। ये फैन ब्रश की मतलब एक खासियत बताओ, बहुत अच्छे से ब्लेंड करता है, बहुत अच्छे से। हैंड की हेल्प से, फिंगर की हेल्प से कॉर्नर में लगाया, एंड अपनी आई लैशेस को थोड़ा कट वट किया, ज़्यादा ही बड़ी बड़ी से लग रही थी भाई, एक अलग लग रही थी एक अलग लग रही थी। उसके बाद रोंजिल का सेटिंग स्प्रे लिया, काफ़ी अफोर्डेबल है और सेट कर देता है आपके फेस को। मनीष मल्होत्रा की ये क्रीम कलर की है ये लिपस्टिक, न्यूड एकदम, वो लगा रही हूँ। अभी मैं एक और गणेश चतुर्थी का लुक करने वाली हूँ, मेरा मन था कि मैं एक और करूँ तो ज़रूर करूँगी, मेरे पास साड़ी नहीं है लेकिन एक मम्मी की ग्रीन साड़ी पड़ी है। ओके, यहाँ पे मैं अपनी हेयर स्टाइल बना ली, मैंने खुद ही बना ली, एंड बिंदी कटवट करके लगा रही हूँ, दिमाग लगा के बिंदी लगा रही हूँ अपने अच्छे से, एंड साड़ी पहन ली मैंने अपने हिसाब से, थोड़ा सा दिमाग लगा के हेयर स्टाइल बना ली, एंड यहाँ पे मम्मी की थोड़ी सी ज्वेलरी वगैरह पहनी मैंने ना। ज़्यादा इस लुक को ओवर नहीं रखा, मतलब ओवर वाला क्या मतलब, मैंने एक लड़की को देखा वो और मतलब उसने थोड़ा हैवी किया था ना, अब मेरा मन है कि मैं थोड़ा सा और हैवी करूं, बट बड़े बन के साथ। आप लोग कमेंट करो, करूं कि ना करूं, ये कैसा लग रहा है। मेरा मन है कि मैं एक और करूं, मतलब मेरा मन है, लिटरली मेरा मन कर रहा था, और उसको थोड़ा रोल वोल करके लाइक मतलब मन है मेरा करने का। आप लोग कमेंट करके मेरे को बताओ। बाकी मैं चूड़ियाँ पहनी थी, इसमें मैंने थोड़ा गोल्ड टाइप का रखा, लाइक सिंपल टाइप का लोग जितना करते हैं। एंड या नोज़ पिन के बिना तो कुछ काम ही नहीं चल सकता ना यार, ये नोज़ पिन थी। थोड़े से यहाँ जुल्फे उल्फे निकाल रही हूँ और मेरा लुक पूरा कम्प्लीट हो गया। ये साड़ी पूरी बनी बनाई रेडी टू वियर थी गाइज, लुक कंप्लीट हो गया। ओके,
ओके गाइस, सो दिस इज़ माय फाइनल लुक. यू कैन सी यहाँ मेरे हाथ लाल लाल हो गए. चूड़ियाँ इतनी टाइट थी बिकॉज मम्मी की चूड़ियाँ थी, तो उस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई. बाकी लुक मुझे अच्छा लग रहा है, मराठी टाइप का. मैंने ज़्यादा हैवी नहीं किया क्योंकि मेरे हिसाब से ऐसा ही करते हैं, लाइक सिंपल टाइप का एंड सोने की ज्वेलरी, लाइक गोल्ड टाइप की ज्वेलरी. तो ये मेरी मम्मी का मैंने डाला है, इसमें चूड़ियाँ भी मेरी मम्मी की डाली. ये बस मैंने न्यू लिया और गजरा लगाया एंड बिंदी एंड दैट्स इट. ओके, लुक बहुत डिसेंट एंड सही सिंपल वाला लग रहा है. प्लीज़ शेयर करना एंड एडवांस में, तो या एडवांस में हैप्पी गणेश चतुर्थी. ओके, बाय.